वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, सेहत भी ठीक है। मैं हूँ राजा मसूद सादिक, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉग एंड ट्रैवल। मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये दुनिया में जन्नत है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है लेकिन मेरे हौसले पस्त नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मेरे हिसाब से ये इलाका है। पाकिस्तान पूरा खूबसूरत है और उसको एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह। तो ये देख लें, ये भाई भी मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे नीचे देख लें कि कितनी खूबसूरती है, वो मैं शायद आपको दिखा सकूं। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, ये दोस्त मिले हैं, रहते यहीं पे हैं, बिलोंग सियालकोट से करते हैं, क्योंकि वालद साहब इनकी जी सर जी, क्या हाल है, कैसा महसूस किया इस इलाके को? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ये इलाका है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत इलाका है। तस्वीर भी मैंने खींच ली है आपकी, इंशाल्लाह वो ग्रुप में शेयर करूँगा। गंगा चोटी का तो मोटरसाइकिल हमने यहाँ पार्क कर दी है, आने लगा दिए सब दोस्त साथ अपने साथ। अभी आपको ये दिखाते हैं गंगा चोटी। ये घोड़े वाला भी है, बच्चों के लिए। ए भाई भाई लंडो का था बने बड़े तैयार हो रही है जी, सारा कुछ तैयार हो गया। मैंने अपनी आइटम साथ रख ली थी, एक ही है मेरे पास। अभी ये मैं खाऊंगा और मेडिसिन लूंगा। ये देख लें जनाब, जो लोग ये फेंक जाते हैं और इकट्ठे करते हैं ये लोग, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा कि कोई भी आप फेंकते हैं शापर वगैरह, उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लें। ये देख लें जनाब, गंगा चोटी पे जी जाने का काम शुरू हो रहा है। साथ साथ हर चीज़ का इन्होंने यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है, बिस्तरा साथ और चाय का बंदोबस्त, और ख़ास इस तरह का मन तो पकौड़े तो चाय बनती है। ये देख लें जी पोग, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ तक आने के लिए दो स्टेप कर चुके हैं, गाड़ी का इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है अपना। तो मेरे पीछे देख लें फोग, ये मंजिल नहीं मिले लेकिन कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता 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 चल रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल है, ख़ासतौर हमारे जैसे आदमी के लिए जो नहीं चलते। हमारी तो मजबूरी है कारोबार की, सांस फूल रहा है लेकिन अज़म पुख्ता है।
गंगा चोटी पे आ चुके हैं जी। कोई इतराज नहीं, ये बिल्कुल पीछे है हमारे, वो ऊपर तो वहां तक जाना हमारा मसला नहीं है। तो ये मैं घूम रहा हूँ साथ साथ, ये बाकी दोस्तों की वीडियो बन रही है। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत सीन, ये देख सकते हैं पीछे फॉग, कितनी ज्यादा फॉग है। और इस वक्त यहाँ कोई गर्मी नहीं है, ऐसे है जैसे लाहौर में ठंड नहीं होती वैसे ठंड है। ये मेरे पीछे जो है ना गंगा चोटी है, ये मेरे इस जगह पे जहाँ पे मेरा हाथ है, इस जगह पे चश्मा है, और इस जगह पे ये सारी जगह जो है जहाँ पानी देख रहे हैं, ये जगह पे यहाँ पे झील होती थी, जलजले की वजह से यहाँ ख़त्म हो गई है। और जो पानी है वो आदमी मकामी बता रहा है जो यहाँ रहते हैं काम करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी नीचे चली गई है और चश्मे बहुत ज़्यादा हैं उस साइड में। ये दोस्त इंशाल्लाह किसी और ट्रिप में जब यूट्यूबर साथ होंगे तो उस टाइम इसको और ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे इलाके को। इस जगह मुझे फरहान भाई की बहुत कमी महसूस हो रही है क्योंकि वो ऐसे काम बहुत करते हैं। चलो ज़िंदगी ने कभी वफा की तो इंशाल्लाह उनके साथ भी कभी जो है ना विज़िट होगा। ये पानी है जैसे चश्मा भी कह सकते हैं, और अपनी ज़ुबान मकामी में हम इसे चोया कहते हैं, और इतना ठंडा पानी है जैसे फ्रिज का पानी होता है। ये देख सकते हैं जी क्या ज़बरदस्त सीन है, हवा एसी वाली, हमारे नीचे देख सकते हैं फॉग, और इलाका नहीं है ये, अगर फॉग ना होती तो नीचे पूरा इलाका हमें दिखाई देता, ये सारी फॉग है नीचे। जब ये फॉग ऊपर आती है हमारी तरफ तो टॉप क्लास की ठंड महसूस होती है। ये लम्हात इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रहेंगे, मेरे पीछे फॉग चेक करने में बार बार उसको कैप्चर कर रहा हूँ, अभी तक हमारे करीब नहीं है। हवा इतनी यख ठंडी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कपड़े मैंने चेंज कर लिए ख़ास इस पॉइंट के लिए, देख सकते हैं आप इतना टॉप क्लास का इस वक्त मौसम है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मेरे ट्रैवलिंग का ख्वाब पूरा हो रहा है इंशाल्लाह। ये जानू जी ऐसा नहीं भरा भाई ने चेंज नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप ने ड्रेस चेंज कर लिया है, और देख लें कितना टॉप क्लास का व्यू है। पीछे सारी ये फॉग है, ये देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर किया है, ये देखें जी व्यू नीचे, सिर्फ धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो क्लासिकल नज़र आ रहा है। अगर मौसम साफ होता तो यहाँ पे जो है ना गंगा चोटी पे आज ईद हो जाती हमारी। गंगा चोटी है जनाब, यहाँ मत जवाब देगी, और यही आखिरी स्टे है हमारा। पीछे फॉग देख ले, ये देखना जी, ये गंगा चोटी है सामने, ठीक है, ये भी देख ले नीचे, सुभान तेरी कुदरत। ये नीचे देख ले, ये मेरी अंगल वाली जगह फॉग सारी, हाँ फॉग शुरू हो गई है अभी, सब ये देख सकते हैं। गंगा चोटी का हमारा विजिट बहुत ही अच्छा रहा, ये ज़िंदगी के यादगार लम्हे जो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है याद रहेंगे। ख़ास तौर पे कश्मीर में, पाकिस्तान में, कहीं भी और दुनिया में कहीं भी जो लोग टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो इस इलाके का विज़िट ज़रूर करें। इससे अर्निंग इस इलाके के रहने वालों को होगी, और इनका माशी मसला भी आला होगा। हमारा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। हाँ जी भैया, क्या हुआ? बस आप वापस जा रहे हैं, बैठे ना? नहीं, हमने वो लाके करने, ये भाई भी मिले हमें
ये मुकामी है यहाँ के और यूट्यूबर है। हाँ ना, कुछ पॉइंट ऐड कर। इनका मोबाइल नंबर है, मैं इंशाल्लाह वो भी अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा। जब भी आप आए इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये गंगा चोटी में इन्होंने कैंप लगाया हुआ है, बहुत अच्छे इंसान है और जितना ये इलाका खूबसूरत है इतने अच्छे लोग हैं। तो मैं तो काफ़ी कुछ सीख के जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा जब तक जिंदगी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ये जनाब पीछे देख सकते हैं आप, नीचे वाली जगह सब खत्म हो गया और फॉग हमारे करीब से आ रही है और हमें सर्दी लग रही है। तो जो एक्सपेरिमेंट है या जो फीलिंग्स है मैं वो बयान नहीं कर सकता। ये गंगा चोटी से वापस आते हुए हमारे साथ हुआ है, वहाँ भी थोड़ा सा हुआ था और अभी आ गए हमारे साथ बट भाई, ये देख लें वो फोन कर रहे हैं साथ। ये सारा जो है ना एरिया देख लें, ये देख लें, ये देख लें ना, सब कहते हैं शुक्रिया, बहुत ही आला जी, जबरदस्त है। जहाँ पे पार्किंग है देख लें, यहाँ भी जो है ना फॉग आ गई है जिस साइड पे लगा है। और ऐसा है जैसे ठंड में होता है सर्दी में, बहुत ही खूबसूरत लम्हा ये हो जाता है। जब धूप चल आती है तो उस वक्त ये होता है कि हल्का सा मौसम चेंज हो जाता है। ये हमारा आखिरी स्टॉप है यहाँ से, इसका गंगा चोटी से वापसी। अब यहाँ से आगे चलते हैं।